महादेव, हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई के चैनल पे। तो क्या हालचाल है आप सभी के? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो पहले तो भाई गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है भाई। सुबह के 7 बज रहे हैं और तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है। तो भाई अभी फ़िलहाल जाने वाले हम तारकेश्वर मंदिर, ऊपर है जो, और अभी पैदल पैदल जाना है। काफ़ी लोग सारे तैयार हो चुके हैं और नीचे भी सब तैयार हो चुके हैं, तो अभी निकलते हैं ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि भाई पैदल बहुत जाना पड़ेगा, आपने वैसे भी ऑलरेडी देखा हुआ है। तो अभी चलते हैं ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए। ओए, ये देखो, ये है काफल का पेड़, और ये देखो। अच्छा, ये रे काफल, और ये रहा काफल का पेड़ भाई। और ये देखो, ऐसे तोड़ के लेके आती है, इतने जंगलों में जाती है और काफल। दो तीन चार, ये देखो भाई, पूरे काफल से भरा हुआ है पेड़। सोने कैमरा मैन चार रहा हूँ अब। ये देख काफल का पेड़, और काफल ही काफल, पूरा दिन लग जाएगा यहीं पर ही। तुझे पता है मैंने हिरन देखा? जहां से हम ऊपर आ रहे थे ना, वहां पर हिरन था। मेरे को मुंडी दिखी, पर ये कैमरा ऑन नहीं था। हिरन दिखा उसी टाइम पे, मैं कहा हिरन भयंकर भाग गया उसी टाइम पे। हमारे यहाँ पर काखड़ बोलते हैं भाई, तुम्हारे वहाँ क्या बोलते हैं तुम बताना भाई? हमारे गढ़वाल में तो काखड़ बोलते हैं। हमारे बोलते डियर। अबे चुप करेगी, वो अंग्रेजों के वहाँ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो हिरन बोलते हैं। हाँ, अपने उत्तराखंड में तो काखड़ बोलते हैं, बाकी कहीं कहीं और क्या बोलते हैं पता नहीं, कमेंट में बताना। अभी देखो एनर्जी क्रिएट करूं। हर हर महादेव। कितने अच्छी खुशबू आ रही है ना यहाँ पे। जी मैंने परफ्यूम लगाया। मुझे लगा नेचर की खुशबू है। नेचर की तो है ही, तो मैंने परफ्यूम जो नहीं है, पेड़ों की भी कुछ है यहाँ पे। नहीं भाई, परफ्यूम की है। ये देखो गाइस, इसे कहते हैं हिसला, हिसाल। अरे बड़ा, ये देखो, ये कांडो वो कांडो जीभ पे रखते हुए जा रहा है। हाँ, है ना, मीठा है बहुत। एक और भाई, ऐसा लग रहा है मोतीचूर वाले लड्डू हैं। क्या क्या मुंह का कर रही है। अरे मेरे लिए भी लाई हो, मेरा पेड़ इसका इसको क्या बोलते हैं, इसको हिसाल, क्या हिसाल, हिसाल, हिसाल। हर हर महादेव। सो गाइस, हम पहुंच गए फाइनली ऊपर। पूरी थकान ना उतर गई, क्योंकि यहाँ इतनी सही हवा चल रही है और थोड़े बादल भी लग गए, तो बढ़िया है। और अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, त्रिशूल में दिख रहा होगा तो ठीक, बढ़िया त्रिशूल है भाई, कुदरती त्रिशूल। बारिश वाला मौसम हो चुका है और हमें जल्दी से दर्शन कर लेने चाहिए, क्योंकि भीड़ इकट्ठी होगी, क्योंकि यहाँ 12 बजे देखना भाई कितनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो अंदाज़ा है आप लोगों को, जिन्होंने जो पहले के सब्सक्राइबर, उन्हें पता है। बाकी देखते हैं क्या बनता है, इस बारी क्या भीड़ होगी या नहीं होगी वो देखते हैं। भाई होगी फाइनली बारिश। क्या हुआ? हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या हो गया? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई बारिश बढ़ गई और भीड़ लिटरली बहुत ज्यादा बढ़ गया, और हम लेट हो चुके हैं शायद दर्शन के लिए। तो ये देखो भाई, भीड़ बढ़ गई, ये शायद ये बारिश से बचने के लिए। गाइस फाइनली दर्शन पूरे हो चुके हैं। वही यहाँ से जाएगा, उधर से जाना,
गेट उल्टा जा रही है, हम हो गए फ्री। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम इतना तगड़ा हो रखा है। हाय हाय महादेव। फेवरेट इस, मेरे को ये देखो हलवा पूरी और ये सब्जी मिल गया, और ये रही अपनी लोकेशन जहाँ बैठ के खाऊंगा। मौसम भाई सही में बहुत प्यारा हो रहा है, बहुत ठंडा। तगड़े मौसम में खा रहे हैं आलू पूरी, वाओ माय फेवरेट। सेम, वो कितना बड़ा आलू दिया तुझे? मुझे छोटे छोटे दिए। हट बैठ बैठ, इसकी देख पूरी फूली है। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मुझे तो ठंड नहीं लग रही भाई, मुझे तो आ रहा है मजा। और इतने अच्छे मौसम में आलू पूरी मिल खाने को मिल गई। हम सुबह कुछ नहीं खा के आए थे, मैं टेस्ट बताती हूँ। चाहे जैसा मर्जी हो पर मुंह कर देना। खा लेते पेट पूजा कर लेते, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाली पेट आना पड़ता है। तो बस एक्साइटिंग नहीं है क्योंकि हम बचपन से यहाँ आते हुए हैं और हमने ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लोर किया हुआ है। यस बिल्कुल, सब कुछ देखा हुआ है बचपन से आते हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए। तो वो देखो जी भोलेनाथ जी अपने वहाँ बैठे हुए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस रहेगा, उनको इतना सुकून और शांति मिलेगी। और यहाँ बहुत ठंडा है। यस भाई, एसी एसी जैसा ठंडा है भाई, उससे भी अबव। गर्मियों में ही आएगा, ठंड में आपको बहुत ज्यादा ठंड। यस भाई, अभी शायद जून का महीना है और जून के महीने में भाई ठंड। ओ गिर गई और भाग। अब ये मत बोलिए कि ये मत लेना, क्योंकि ये डलेगा। वो गिरते हुए लेना में थोड़ा सा चूक गया, नहीं तो ये गिरी जो ना अभी दिखी ये तुम्हें इस हालत में। और तूफान चलने लग गया है यहाँ पर। मैं गिरी नहीं हूँ, मैंने फोज मारा है। ऐसे क्यों सोने का लोग है, सोने के ऐसे बिकते हैं भाई। फोड़ के नहीं क्या, क्यों का फोड़ जी ना हीरा माल चाहिए होता है। अरे जनरेटर जी पर जलेबी बन रही है, जलेबी जलेबियाँ है, ये है घर वाली मिठाई। जलेबी जलेबी क्या भाई, जलेबी 40 रुपए पावे सर, 80 रुपए का आधा किलो। ओके Thank you.
गए तभी मैं हूँ, मैं सबकी पूजा कर रहा हूँ। मेरे माँ मुझे शांति चाहिए। जय माता दी, जय माता। तो भाई ये ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग बढ़िया लगा होगा, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, जो नए हैं सब्सक्राइब कर दो चैनल को। और अभी भाई हम घर जा रहे हैं और मौसम जब तक सही है, साथ दे रहा है, तब तक हम घर पहुंच जाते हैं, नहीं तो हम भीग जाएंगे भाई घर के लिए। और हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है। बोल दे सब्सक्राइब कर दो, बोल दे एक बार। क्या 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 सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब। वही इसको क्या, तू क्या कर रहा है? तो चलो गाइस, ओके बाय बाय, सी यू। नमः शिवाय।